कम्युनिटी डिबेट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। एज यूजुअल हम कम्युनिटी की कुछ बातें करेंगे और उसके लिए हमने कम्युनिटी के कुछ लोगों को यहां मधु किया है जो कि अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनली बहुत वेल अचीव्ड हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पिछली रेजिम में ये बात कही कि वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इक्वल बेसिस के ऊपर खवातीन भी आएँ ताकि जेंडर इक्वालिटी जो है वो पार्लियामेंट में देखने में नज़र आए। तो जब हम अपनी कम्युनिटी की तरफ देखते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ, तो हम इस बात को देखते हैं कि औरत और मर्द जो हैं वो बिज़नेस में और प्रोफेशन में किस तरह चल रहे हैं। मेरे पास इस वक्त बहुत ही वेल अचीव्ड फैशन डिज़ाइनर मौजूद हैं, सोनिया सिद्दीकी साहिबा, जो कि कम्युनिटी में बहुत एक जाना पहचाना नाम है, बहुत अरसे से काम कर रही हैं और फैशन की इंडस्ट्री में अपनी कम्युनिटी की खिदमात दे रही हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इरफान मलिक साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत से काम करते कम्युनिटी की, हर प्रोमिनेंट कम्युनिटी से, बड़ी कम्युनिटी से छोटी कम्युनिटी तक, हर जगह के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं हमारा। आप दोनों को खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। सोनिया, आपसे बात शुरू करूंगी। जी जरूर। आपके सफ़र का आगाज़, आप कनाडा कब तशरीफ लाई और फिर आपने फैशन डिज़ाइनिंग ही को क्यों चुना? हम लोग 97 में फॉर गुड कनाडा मूव हुए और उसके बाद 2000 से 2013 तक आई वॉज अ वेरी एग्रेसिव रियल इस्टेट एजेंट और उसके बाद में आई डिसाइडेड टू स्विच माई लाइन एंड आई टर्न टू दिस डिज़ाइनिंग हाउस और फिर मैंने ये अपना फैशन डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। बुटीक शुरू की। तो मलिक साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप जिस जगह खड़े हैं वहाँ से अगर लुक बैक करें तो आगाज़ कैसे हुआ और फिर एक्टिविज़म, जर्नलिज़म, फोटो जर्नलिज़म, मेयर के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट, सो आप इसको इस दरिया को कूजे में कैसे बंद करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं टैग टीवी का, सादिया आपका और ताहिर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा बुलाते हैं मेरे लिए, बल्कि हर बंदे के लिए बड़ी ऑनर की जगह है ये कि यहाँ आना और अपने ख्याल का इजहार करना और बड़े खुल के इजहार करना। मेरा जर्नलिज़म का सफ़र जो है जी 92 में डॉन अखबार में एक अज़र जाफरी साहब थे, उनके साथ शुरू हुआ। बेसिकली उन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी। उस्मान साहब होते थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। उसके बाद फिर मेरा आहिस्ता फिर मैं कैनेडा आया हूँ 2000 में और यहाँ आके फिर मैंने छोटे छोटे टेलीविजन चैनल्स पे इधर उधर कुछ थोड़ा सा जो भी मैं खिदमत कर सकता था करता था। 2007 में मैं मेयर बॉनी क्रॉम्बी के साथ अटैच हुआ, जो कि मैं आप समझ लें कि मेरे पॉलिटिकल एक्टिविज़म का या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे जो आगाज़ था। और मैं मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं उनकी कोर कमेटी में आज तक हूँ। मैं सिटी की बहुत सारी कमेटीज़ का मेम्बर हूँ और मैं और भी बहुत सारे लोगों के साथ सियासत पे करता हूँ और स्नैप नॉर्थ मिसिसागा जो है वो उसमें मैं एज ए फोटोग्राफर काम करता हूँ। जी सोनिया, आपकी तरफ आऊँगी। एज अ फीमेल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मुश्किलात जी और फिर इतनी मुश्किल कम्युनिटी के अंदर आप अपना शेयर कीजिए कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई और आप क्या देखती हैं कम्युनिटी? स्टार्ट करना कोई भी बिज़नेस यहाँ पे बहुत स्ट्रगल का काम होता है, बिकॉज़ यू आर जस्ट ऑन योर ओन बाय योरसेल्फ अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। और मैंने भी छोटा सा होम बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं इसमें आगे चल सकती हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैंने स्टोर खोला और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10-11 साल से मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ। और मेरे साथ ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा हुआ कि काफ़ी कम्युनिटी में लोग जानते हैं तो मुझे काफ़ी शुरू से उनकी सपोर्ट भी रही और ये कि मैं ज़्यादातर हाईली अपनी ही कम्युनिटी में काम कर रही हूँ। तो ये कि मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो हमारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं और इंडियन हैं और साउथ एशियंस हैं। मलिक साहब, आप एक बहुत ही टेक्निकल से, मुश्किल से प्रोफेशन से जुड़े हैं। जर्नलिज्म बहुत डीप और बहुत मुश्किल सा है, उसमें हम खवातीन को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सादिया, उसमें मुझे बड़ा फ़ख्र हासिल है कि आप भी माशाल्लाह तमाम कम्युनिटीज़ में, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, पील, टोरंटो की हद तक मैं और आप और 3-4 और लोग जो हम जाते हैं, हर कम्युनिटी में जाते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ में भी वुमेन जर्नलिस्ट हैं।
हमारी कम्युनिटी में बेसिकली अनफॉर्चुनेटली इस प्रोफेशन को थोड़ा सा ख्वातीन के हिसाब से डिस्करेज किया जाता है, ठीक है जी। और बहुत कम ख्वातीन ऐसी होती हैं जो बड़ी बोल्ड हो के और जो प्रोफेशनली जो हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करती हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होना एक अलहदा चीज़ है, फेसबुक जिंदाबाद वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन जब मैं देखता हूँ अपनी कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो मुझे को 5-7 ख्वातीन ऐसी हैं जो सही प्रोफेशनल तौर पे इसमें काम करती नज़र आती हैं, जिनमें से एक आप हैं, जिस तरह लताफत साहब हैं, सिद्दीकी उनकी बेटी हैं, अलीना हैं जो CP24 में हैं, वजी आप जानती हैं वो हैं, उसके बाद तारिक फतेह की बेटी हैं वो करती हैं, और इस तरह और 2-3 ख्वातीन हैं। तो ये जो ख्वातीन का जो प्रोफेशनलिज्म जर्नलिज्म में है ना, वो हमारी कम्युनिटी अभी उस लेवल पे नहीं आई, वो फेसबुक के दायरे में गुम हो गई है। और जो बेचारे बच्चे ऊपर आने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बच्चे देखता हूँ जर्नलिज्म यहाँ टोरंटो से पढ़ी, यूनिवर्सिटियों से पढ़ी, मगर एक तो उनका मसला ये है कि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, फिर ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना घर चलाना है, जॉब करनी है, तो वो फिर दूसरे कम्युनिटीज़ की तरफ देखती हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि दूसरी कम्युनिटीज़ के टीवी जो है उनको काफ़ी अच्छा कंपेंसेट करती हैं। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि हमें ख्वातीन को अपनी कम्युनिटी में हर लेवल पर इनक्रेज करना चाहिए, खा वो जर्नलिज़म है, खा वो रियल स्टेट समझ लें आप, खा वो कोई प्रोफेशन समझ लें, टीवी ड्रामों में हिस्सा लेना, ये सारी चीज़ें, वो जो है हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा दिमाग अपना खोलना पड़ेगा, जो कि बदकिस्मती से खुलने की बजाय ना मज़ीद बंद होता जा रहा है। जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो फ़नून लतीफ़ा जिसको आप कल्चर कहते हैं, उसका तो नामो निशान नहीं है हमारी कम्युनिटी में, और कल्चर के नाम पर हम जो करते हैं आई एम सॉरी वो कल्चर नहीं है। मतलब है कि चंद गाने गा लेना या चंद कर लेना वो कर लेना वो कल्चर नहीं। हमें कल्चर को ट्रू सेंस में हम पेश ही नहीं कर सकते, पेश कर नहीं पा रहे, उसमें बहुत सारे स्टिग्मास लग जाते हैं कि जी कर बहुत हम तहजीब के बारे में अभी भी श्योर नहीं है कि तहजीब क्या होती है और तहजीब से कल्चर निकलता है जी जी। और जब तक हम अपने आप को ओन नहीं करते जो भी हम हैं जैसे भी हैं और उसके साथ हमारी जो हेरिटेज है उसको लेकर नहीं चलते जी जी। तो मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है। हेरिटेज का मसला सादिया जी ये है कि हम तो हेरिटेज अपनी मानते ही नहीं। मैं कहता हूँ जी मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं जी मेरे तो बुजुर्ग जो थे वो कोई कहता है जी अरब से आए थे, कोई कहता है अफगानिस्तान से आए थे, कोई कहता है, हम तो अपने आप को बेसिकली जिस धरती से बिलोंग करते हैं उस धरती का नाम आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान था, हमने वहाँ हुकूमत की है। हम तो अपने आप को हिंदुस्तान उस वक़्त के हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल के हिंदुस्तान से तो हमारी लड़ाई चल रही, वो अलहदा बात है। मुझे किसी ने सवाल किया था कि जी आप क्या है, मुझे वो वली खान साहब का एक मिसरा याद आ गया कि मैं 5,000 साल से इंडियन हूँ, 1,000 साल से मुसलमान हूँ और 70 साल से पाकिस्तानी हूँ, तो मेरी वफादारियों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिस धरती को। तो कल्चर तो आपको पता है मिट्टी से जुड़ा है, और जब मिट्टी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर कल्चर नाम की तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं आएगी ना। चलिए आपकी तरफ आती हूँ सोनिया, जब कल्चर की बात होती है, तहजीब की बात होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपका पहनावा होता है। बिल्कुल। तो आप जो कम्युनिटी को सर्विसेज दे रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जो यहाँ के रहने वाले बच्चे हैं जो यहाँ पैदा होते हैं उनका क्या रुझान है, उनके पहनावों में, उनकी सोच में, उनका इसकी तरफ क्या नुक्ता नज़र है? जो कुछ मैंने सीखा है और यहाँ पर जो काम हम कर रहे हैं उसमें यहाँ के बच्चे चूँकि पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ वो वहाँ के मौसम से और बहुत सारी दूसरी चीज़ों से, चूँकि वहाँ की परवरिश नहीं है, यहाँ पैदा हुए हैं तो यहीं से लेना प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ उनको सामने नज़र आ रही है या जो भी उनको करना है, तो ट्रेडिशनल के ऊपर बहुत ज़ोर होता है। और वो वहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत अप्रिशिएट होती हैं कि टिपिकल पाकिस्तानी कल्चर हम उनको बना के देते हैं, दे लव टू वेयर। अब तो कट्स वट्स बहुत आते हैं और बड़े वो जितना तो मर्जी चले जाएं आप मॉडर्न साइड पे, इंडो कैनेडियन, इंडो वेस्टर्न चले जाएं, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसमें उसका टच आपको ज़रूर
ملے گا ساری شادیوں میں ایونٹس میں, وہ بالکل اسی طریقے سے ٹپیکل پاکستانی ویڈنگز ہم یہاں پہ بھی اسی کو کرتے ہیں ایکسرسائز, اور اسی طرح ڈیکور ہو رہا ہے, اسی طرح مہندی لگ رہی ہے, اسی طرح تحفے بن رہے ہیں, تو وہ سارے کام اسی طریقے سے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں. تو فیشن ڈیزائننگ میں عورتیں بہت ڈومیننٹ ہیں, مرد بھی کوئی فیشن ڈیزائننگ میں آپ نے دیکھا یہاں کوئی ارد گرد جو آدمی اس کے اندر, کیونکہ فیشن ڈیزائننگ میں ایک کلیشے ہے کہ دا مین نوز دا بیسٹ بیکاز دے ہیو دا اسپیکٹیکل آئی ٹوورڈز دیٹ, آپ کا اس کے بارے میں کیا؟ نہیں, آئی تھنک اس لائن میں تو لیڈیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ہمارے ٹورانٹو میں تو بہت زیادہ بوٹیکس ہیں اور کافی زیادہ لیڈی, دیر آل لیڈیز اونڈ میجورٹی آف دا اسٹورز, یا جو بھی عورتیں گھروں سے بھی کام کر رہی ہیں تو وہ زیادہ ڈومیننٹ اس لائن میں لیڈیز ہی ہیں. جی تو ملک صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں, آپ سے پھر وہی سوال کروں گی کہ آپ نے اتنا ایکسپیرئنس کیا, آپ نے میڈیا کے اندر بھی کام کیا, ٹی وی ون کے ساتھ بہت دیر تک جڑے رہے, تو کیا کمی ہے کمیونٹی کے اندر, یا کیا ایسی, چلیے اس کو کمی کہہ لیجیے یا اس کو کہہ لیجیے کہ کیا بات ہونی چاہیے, کیا پروفیشنلزم کی کمی ہے یا ٹیلنٹ کی کمی ہے, یا کیا بات ہے کہ ہم جڑ نہیں پا رہے, ہم کچھ نہ ہم جڑ پا رہے ہیں نہ ہماری آنے والی نسلیں, کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں جہاں تک ٹیلنٹ ہے نا, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ایون جو میرے بعد کی جو جنریشن جو یہاں ہے, میرے بچوں کی جو جنریشن ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا آپ کو پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ملیں گے جنہوں نے جرنلزم میں, ٹی وی میں, ڈرامہ میں, فلم میں, یہاں سے باقاعدہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں. اب ان مسئلہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ کمی جو ہے وہ پروفیشنلزم کی, اور کمی جو ہے وہ دل کی بات کرنے کی ہے. ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ ان کو جب تک پاکستانی چینل جو ہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے نا, تو ان کا ٹیلنٹ باہر نہیں آئے گا. دوسرے لوگ تو ان کی لینگویج بھی ٹھیک ہے, دوسرے لوگ بھی ان کو کرتے ہیں, اور بہت سارے میں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جاتے ہیں, لیکن اصل جو چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہماری انفارچونیٹلی پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سادی ہے جی ڈیفائن نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, کلچر یعنی ڈیفائن نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل جو سیٹ اپ ہے وہ ڈیفائن آج تک نہیں ہو سکا ہے, ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈیفائن نہیں ہو, ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا, ہم نے جناب ایسٹ پاکستان کو آ دیا, ٹھیک ہے جی, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم غدار منہ پہ چڑھا ہوا ہے, ہر بندہ اینٹی پاکستان, ہر بندہ غدار. وہ جو مائنڈ سیٹ اپ ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, کلچر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بیوٹیفل کلچر پاکستان میں دیکھیے, آپ اوپر ناردرن ایریاز میں چلے جائیے, وہاں بہت خوبصورت کلچر ہے, سندھ میں دیکھیے, بلوچستان میں دیکھیے, ایون آپ فرنٹیئر میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اس میں خٹک ڈانس جو آپ دیکھتی ہیں وہ مردی کرتے ہیں, لیکن اس میں پنجاب کا اپنا ایک کلچر تھا, جو ہم نے پنجاب کا کلچر ختم کر دیا. اور صرف یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کی کمی ہے. مثلا ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا آپ کی اجازت سے, کہ سب سے پہلے اینٹی پاکستان غدار کہا گیا فاطمہ جناح کو. سوری میں پولیٹیکل باتیں کر رہا ہوں, آپ بالکل ٹھیک, یہ بات پولیٹکس کسی بھی چیز سے الگ نہیں ہو سکتی. تو فاطمہ جناح کو سب سے پہلے ایوب خان صاحب نے, کوئی ایبڈو قانون جس طرح آج کل نیب کا قانون, ایبڈو قانون تھا, اس کے تحت انہوں نے کہا جی یہ خاتون غدار ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ غداری کا کیس چلاؤ. اس سے بات شروع ہوئی, پھر ہر بندہ غدار ہو گیا, ہر بندہ اینٹی پا. اگر مجھے فرض کریں پولیس سے کوئی شکایت ہے, مجھے فوج کے چند جنرلوں سے شکایت ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ نافذ کرتی ہیں, تو میں اینٹی پاکستان ہوں. یعنی کہ بات کرنی مشکل کر دی ہے, مطلب کہ پاکستان کوئی آپ شروع کریں بات, ریلیجن پہ شروع کریں, آپ فوج کے جنرلوں کے جو اقتدار ہم سلوٹ کرتے ہیں, آپ ہم سب مل کے ان فوجی جوانوں کو جو کہ ہماری خاطر جانے دے رہے ہیں, جو بارڈر پہ بیٹھے ہیں اور اب شہید ہو رہے ہیں ہمارے کل کے لیے, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کنڈیم کرتے ہیں ان چند جرنیلوں کو جو کہ ملک کا اقتدار سنبھال لیتے ہیں ڈکٹیٹرشپ نے. اب اس میں کہہ دیے کہ جی بندہ چونکہ جنرل صاحب کے خلاف بول رہا ہے اس لیے یہ اینٹی پاکستان ہے, یہ غدار ہے. یہ ٹرینڈ جو ختم ہونا چاہیے نا, ڈیفائن نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں.
ناظرین ابھی بہت سی گفتگو باقی ہے, شاید ہم کریں گے اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. بات ہوئی کلچر کے اوپر, بات ہوئی بزنس انٹرپرینورز کے اوپر, بات ہوئی, ہم واپس بات لے کے آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. پنڈت وجے رام سے رابطہ کیجیے 647-391-2133 ایڈریس 5330 یانگ اسٹریٹ نارتھ یارک ٹورانٹو ویلکم بیک ٹو کمیونٹی ڈیبیٹ آج ہم بات کر رہے ہیں بزنس انٹرپرینورشپ اور پروفیشنلزم کے ساتھ جرنلزم کے اوپر اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر اس کی کیا کس طریقے سے وہ اس کو لیتے ہیں تو ہم سونیا آپ کی طرف پھر واپس آئیں گے اسی لحاظ سے بات کرتے ہوئے اسپیشلی ہم جینڈر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت گلوبل پرابلم ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں ان میں ان کو پروفیشنلی برابر ہونا چاہیے تو آپ اتنے عرصے سے خاتون کے طور پہ بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں آپ کا کیا آپ کیا دیکھتی ہیں کمیونٹی کے اندر ینگر جنریشن کے اندر اور جو ہماری جنریشن ہے ان میں کیا کیا فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو بچے ظاہر ہے کہ ہمارے بھی بچے پلے بڑے ہیں وہ ماشاء اللہ کافی اگریسو ہیں اور فوکسڈ ہیں اور جو ابھی پروفیشن لیتے ہیں چاہے اس میں میل زیادہ ہوں یا فیمیل زیادہ ہوں اگر میری بچی ہے تو وہ اس کو پورا پرسو کرنے کی کوشش کرے گی اور یہاں پر موقع یہ ایک لینڈ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم بھی اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے آئے یہاں پہ مائگریٹ کیا مشکلات اٹھائیں بزنسز بنائے اسکریچ سے تو یہ الحمدللہ ہمارے بچے بلیسڈ ہیں کہ وہ جس کام کو بھی پکڑ لیں چاہے وہ آپ اکاؤنٹنگ لے لیں چاہے وہ آپ کسی قسم کا بھی بزنس لے لیجیے آپ تو اس میں جس میں بھی انوالو ہوتے ہیں دے پرسو دیئر کیریئر اور ان کو یہاں موقع ملتے ہیں ان کو یہاں نہ ماں باپ دباتے ہیں نہ یہاں کی کمیونٹی دباتی ہے نہ یہاں کا کسی قسم سے کوئی بے خوف ہو کے وہ کام کرتے ہیں جیسے ایون میری بیٹی بھی کاسمیٹک لائن میں کام کر رہی ہے تو شی ٹریولز اینڈ شی ہیز ویری انڈیپینڈنٹ لائف اور میں نے اسے ہمیشہ انکریج کیا ہے کہ تم کسی کی بھی ججمنٹ کے اوپر نہیں جاؤ اور یہاں کے بچے بالکل بے خوف ہیں وہ پاکستان والی باتیں نہیں ہیں نہ ان کے اندر چلاکیاں ہیں نہ ان کے اندر جھوٹ بولنا ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے ہمارے بچوں کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی یہاں کے بچوں میں ایسے نہیں ہے کہ وہ چلاکیاں یا سیاست نہیں کر رہے ہوتے فیملی کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ اور ان کو یہ باتیں بھی نہیں آتی ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یا اگر کوئی آپ کو پیچھے سے آپ کے لیے برائی کر رہا ہے یا آپ سے فیس پہ کچھ اور ہے تو یوزولی دے آر ویری اسٹریٹ فارورڈ نہ وہ کسی کے لیے کرتے ہیں اور نہ وہ اس طرح سے ابیوز ہوتے ہیں تو ملک صاحب آپ سے پھر سوال کروں گی کہ اب جینڈر کا گلوبل ایشو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری کمیونٹی میں جو بچے یہاں پلتے بڑھتے ہیں ان کی انٹریکشن کے اندر کیا جانا چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کمیونٹی کے اندر کیا ہماری جنریشن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ وجہ ہے یا اتنی اب دو تین جنریشن کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کیا تبصرہ کریں گے اس کے اوپر دیکھیں سادی اس میں دو چیزیں ایک تو میری جنریشن ہے جو یہاں آئے انہوں نے جدوجہد کی اپنا بچوں کو اور ایک میرے بچوں کی جنریشن ہے اب تیسری جنریشن جو ہے میرے بچوں کے بچوں کی جنریشن ہے جو کہ ابھی بڑے
समझ लें यंग हैं, 2-4, 5 साल, 6 साल, उस जनरेशन का तो मेरी जनरेशन से कोई तलक नहीं, जो मेरी थर्ड जनरेशन है उसका मुझसे कोई तलक नहीं है। जो मेरी जनरेशन है हमें अपना जेंडर के हिसाब से हम अपना माइंड सेट लेके आए हैं, ठीक है जी। पाकिस्तानी कम्युनिटी में दो किस्म के लोग यहाँ आए, एक तो जो पाकिस्तान से डायरेक्ट आए, और मैं बड़ा बोल्डली कह रहा हूँ, कुछ लोगों माइंड भी करेंगे, और एक वो जो है जो कि थर्ड वे से कहीं ना कहीं से घूम के आए, ठीक है जी। अब जिन मुल्कों से वो घूम के आए उनका रिलीजियस जो था उनको अरब, मतलब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो ये था कि हम उनको वैसे ही अपना आका मानते हैं, आप उसके किसी हिसाब से भी ले लें। जो तो पाकिस्तान से लोग यहाँ डायरेक्ट आए वो थोड़ा सा उनका माइंड जो है वो थोड़ा सा खुला माइंड है। जो घूम फिर के आए मिडल ईस्ट से लोग जो आए वो थोड़ा सा, उसको मैं महसूस करता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में, मेरे बात का गलत मतलब है, लेकिन जहाँ तक जेंडर का मसला है हम अभी तक खातून को, एक लड़की को, एक खातून को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है। मेरा एज एन इंडिविजुअल, मेरा जेन जो है वो किसी खातून को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है। मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन, मेरे बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। कंपेटिटिव, आप समझते हैं कि औरत मर्द के कंपेटिटिव, हमारी जो जनरेशन है जो एक पूरा का पूरा बैगेज लेके आई हुई है पीछे से, वो ये समझती है कि औरत और आदमी जो है वो कंपेटिटिव नहीं है। हाँ जी, और उसकी मैं एक वजह आपको बता देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने भी इस पर रिसर्च की है। हमारी कम्युनिटी में डिवोर्स का रेशो सबसे हाई है, वो किस लिए आई है कि मैं जब इधर आया या मेरी जनरेशन आई तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि भाई तुमने घर चलाना, बच्चे पालनी, नौकरी नहीं करनी, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता मैं बीमार पड़ गया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरे रोज़गार ख़त्म हो गया, अब घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, खर्चे तो उसी तरह ही हैं। अब बेगम बेचारी कभी बाहर नहीं निकली, बेगम को अभी भी मैं जाके देखे, मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी बेगम मुझसे कोई 4 फुट पीछे ही चले, जबकि मेरे बच्चों की जो जनरेशन है वो इकट्ठे चलने वाले हैं। अब ये जो माइंड सेट लेके आए उसमें मैं औरत को बसियत इंडिविजुअल तस्लीम करने पे तैयार नहीं, को स्टेटस देने पे तैयार नहीं। वो बेचारी पॉलिटिक्स में आ जाए, वो बेचारी बिजनेस में आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, मैंने डोमिनेट करना है। और जब मैं, और मैं इस बात को मानता हूँ कि औरत की सलाहियत जो है वो मर्द से ज़्यादा होती है। जब औरत किसी बिजनेस में आती है, औरत जब किसी इंडस्ट्री में आती है, औरत जब पॉलिटिक्स में आती है, तो उसकी सलाहियत मर्द से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फोकस होती है। और मैं बड़ी, मैंने अपनी बुक में, जो मेरी बुक है वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें भी लिखा है, तो वो जब फोकस होती है वो डिवेल्प करती है, और जब वो डिवेल्प करती है तो मुझे वो पसंद नहीं आती, फिर मैं उस पर बातें बनानी शुरू कर दूँगा। कहना नहीं चाहता लेकिन ज़रूर कहूँगा कि हम उसके करेक्टर पर बातें करनी शुरू कर देंगे, वो बेचारी कहीं बैठी हुई है उस पर बात करनी शुरू कर दें। मकसद ये है कि मेरा जहन जो है ना वो औरत की इंडिविजुअलिज्म को तस्लीम करने पे तैयार नहीं है, और ये एटीट्यूड हमें बदलना होगा। हमारी नई जनरेशन बदल रही है और हमें इसको, इस मसले को डिफाइन करना होगा। और एज इज़ नॉट बाय द नंबर्स, एज इज़ बाय हाउ योर माइंड थिंक्स एंड हाउ कंटेम्पररी योर माइंड इज़। ये बात हमें रियलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। सोनिया, आप जो अपना काम करती हैं उसमें आप खास तौर पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टच कहती हैं आप देती हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। तो फिर जो प्रोडक्ट को बनाना है उसका मटेरियल लेना और वो सब आपका कैसे मैनेज होता है, वो क्या आपके? एक्चुअली बैक होम पाकिस्तान कराची में हमारी वर्कशॉप है और वहाँ पे मैंने 2-3 एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, एक मैनेजर है। तो यहाँ से डेली बेसिस पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो मैं वहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर वो वहाँ से उसी तरह बन के आते हैं। और वंस अ ईयर यूजुअली आई ट्रैवल एंड देन काफ़ी परचेजिंग मैं अपने सामने करके बनवा के आती हूँ। और जो ब्राइडल ऑर्डर्स हैं वो अगर तो वो कनेडियन स्टाइल में या थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में चाह रहे हैं, जैसे आजकल गाउन्स वगैरह चल रहे हैं,
पुराने ज़माने में लहंगे गरारे ये ज़्यादा होते थे, लहंगे अभी भी बहुत इन फैशन है, लहंगा और छोटी ब्लाउज़ जो है वो काफ़ी इन आई हुई है। तो जो हमारा पाकिस्तानी लड़कियां वगैरह हैं तो उसमें ये कि वो शर्ट और फुल स्लीव्स और लाइनिंग के साथ, या अगर हिजाबी वेडिंग हो रही है तो उनके साथ में मैचिंग हिजाब बनाना और सारा उस उन चीज़ों को हम लेके और फिर हम क्रिएट कर लेते हैं उनके साथ, डिटेल्ड प्रोडक्ट देते हैं उसके साथ। तो आप क्या देखती हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो बिजनेस, क्योंकि अब यहाँ पे कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है, साउथ एशियन कम्युनिटी इन लार्ज बहुत है, हर चीज मयसर है, तो यहाँ पे ऐसा काम यंग जनरेशन अगर इसको कैरी करना चाहे तो वो कर सकती है? बहुत ज़्यादा स्कोप है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस एंड एनीबडी एंड कोई भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, बट यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड इन टू इट एंड और ज़ाहिर ऑफ कोर्स यू नीड कैश फ्लो की ज़रूरत है, और फिर ये कि क्रिएटिविटी आपके अंदर एक ख़ुद से होता है ना इंसान का, जिस चीज़ में आप काम करना चाहें एक विजन होता है, अगर शौक़ है तो इस काम में बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है और ये काफ़ी सक्सेसफुल बुटीक्स चल भी रहे हैं और ये आगे भी चलेगा, क्योंकि डिमांड इसलिए है कि यहाँ के बच्चे पीछे जाना नहीं चाहते हैं, दे लाइक टू सी एंड बाय एंड डू स्टफ हियर, तो इस वजह से और वो अपने कल्चर की चीज़ों को उसी तरह रखना क्योंकि अगर वहाँ से वो मंगवाते हैं या उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं तो वो मेरे पास बच्चियाँ आती कहती हैं कि ये मम्मी लाई हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहा, तो फिर वो दोबारा से दे डिज़ाइन ऑल ओवर अगेन और फिर देन आई डोंट नो व्हाट डू दे डू विद दोज क्लोथिंग्स, मगर ये कि जो पाकिस्तान से आते हैं उनकी यही कंप्लेन होती है कि ये मेरी फैमिली ने बना के भेजा, मेरी फुप्पी ने, मेरी मासी ने, किसी ने भी बनाया लेकिन दे डोंट लाइक इट, तो फिर वो फिर दे डिस्कस इट विद मी देन यू नो वी एक डिटेल हम लोग करते हैं बुकिंग और फिर उसके बाद में फिर हम उनको वो चीज़ बना के देते हैं, देन दे आर हैप्पी और आई एम हैप्पी कि आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड इस बिजनेस में जिसमें मैं काम कर रही हूँ उसमें मेरी स्किल्स जो हैं वो आर बीइंग यूटिलाइज्ड। तो मलिक साहब आप क्या देखते हैं कि बढ़ती जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, हमारे चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी कमी है या जिनको नर्चर करने की ज़रूरत है? देखें जी, जो जो कम्युनिटी बढ़ रही है ना उस तरह कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ रही हैं, ठीक है जी, इस पे हमें काबू पाना होगा, नहीं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना वो हमसे लातअलग हो जाएगी। तो पॉलिटिकली क्या डिविजन्स आप क्या समझते हैं कि क्या रीजंस हैं कि हम पॉलिटिकली कोई बहुत वो नहीं कर पाए, आउटस्टैंडिंग काम यहाँ पॉलिटिकली? देखे सादिया जी, के सबसे बड़ी बात यह है कि आपका होमवर्क ही कंप्लीट नहीं है, जब आप इलेक्शन की या पॉलिटिक्स की बात करते हैं आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि इस पार्टी में जाना है इस पार्टी में नहीं जाना, ये पार्टी जो है ये इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है, ये पार्टी इमिग्रेंट्स की बड़ी फेवर में है, वो पार्टी जो है वो इमिग्रेंट्स को लिफ्ट नहीं कराती। सच्ची हमें अगर यहाँ ज़िंदा रहना है, अगर हमें पॉलिटिक्स करनी है तो हमें हर पार्टी में जाना होगा, ठीक है। अब मुझे अगर एयरपोर्ट पे उतर दी कह दिया जाए कि यार इस पार्टी को वोट नहीं देना तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, या इस पार्टी को वोट देना इसने तुम्हें यहाँ बुलाया, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। हमारी कम्युनिटी को हर पार्टी में अपना अपना रोल, अगर हम एक जगह नहीं बैठेंगे, एक मिसाल देता हूँ आपको कि मुझे बड़ा फख्र हासिल है और मैं टैग टीवी की बाज़ तारीफ भी करता हूँ कि जिस तरह मैं आप या ताहिर भाई या और दो चार बंदे हैं हमारे कम्युनिटीज़ में जाते हैं, हम जाते हैं वहाँ तो कम से कम अगर कोई पाकिस्तान के बारे में बात करता है तो हम उसका बड़े अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं, एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह जब तक हम पॉलिटिक्स में हर पार्टी में नहीं बैठेंगे हम जवाब नहीं दे सकेंगे, और अब तो शऊर आ गया, बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव में हैं, बहुत सारे लोग लिबरल में हैं, बहुत सारे लोग NDP में हैं, लेकिन होमवर्क की कमी है। जब एक बंदा इलेक्शन लड़ने की बात करता है या एक बंदा जो पॉलिटिक्स में आने की बात करता है तो एक तो पहली बात तो यह है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब होमवर्क में क्या आता है, देखें सबसे पहले तो लैंग्वेज आती है। अगर मैं अपना हमसाया जो कि गोरा है उसको मैं अपनी इंग्लिश में कन्विंस नहीं कर सकता तो फिर मैं तो सिर्फ देसियों में घूम रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एज की बात आ जाती है, उसके बाद माइंडसेट की बात आ जाती है। मस्जिदों में, मदरसों में, इंस्टीट्यूशन में जाके पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, ये बड़े सेक्रेट इंस्टीट्यूशन हैं, आप वहाँ जाके इबादत कर सकते हैं लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह आपके अपने जिस कंपाउंड में आप रह रहे हैं अगर 100 टाउन हाउस हैं और उसमें 80 गोरे हैं
तो अगर आप उनसे कन्विंस उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आप पूरे एरिया को सो मकसद ये है कि कमी जो है वो होमवर्क की है, इंटीग्रेशन की कमी, इससे तो लगता है इंटीग्रेशन। देखिए कम्युनिटी से मुराद हम क्या लेते हैं जी, क्योंकि कनेडियन कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है ना, जैसे आपने कहा कि मुझे अपने कॉन्डो के 10-15 लोग जो रहते हैं उनसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उनके साथ मुझे कन्वे करना आना चाहिए बात को, तो दैट्स माय कम्युनिटी, सो माय कम्युनिटी इज कनेडियन कम्युनिटी, सो इफ वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग वेल देन वी आर गोइंग बैकवर्ड, दिस इज व्हाट यू मीन। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल आपने सही लफ्ज कहा, इंटीग्रेशन का तो हमने सत्यानाश करके रख दिया सर, आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन का तो ये हिसाब है कि हम सुबह मैं उठता हूँ और मैं बाहर निकलता हूँ, इधर देखता हूँ, उधर देखो मेरा हमसाया जो है वो खड़ा हुआ है, वो मुझे गुड मॉर्निंग कहता है और मैं उसको, मुझे अब फिक्र पड़ जाती है मुझे यार इसके बात करनी पड़ेगी, मैं फटाफट उसको इस तरह हाथ ला के गाड़ी में बैठ जाऊँ, दैट इज़ अ रूडिज़म, दैट इज़ अ रूड थिंग, यू शुड स्टॉप एंड टॉक टू हिम। इंटीग्रेशन का तो हमने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसमें इंटीग्रेशन में हम जो है वो कहते हैं जी इससे ना मिलो, इससे ना मिलो, हलाल है हराम है, शराब पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाई जिस मुल्क में तुम आए हो उसका कल्चर है, कैनेडियन कल्चर को, कैनेडियन नॉर्म्स को, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शराब पिए मसलन, आप जो चीज़ें आप मना की गई हैं खाने से, जब गोरा आपके घर आता है ना, एक बात याद रखें, मेरे घर भी गोरे आते हैं, वो कभी मेरी बेगम से हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको मेरे कल्चर का मुझसे ज़्यादा पता है, मैं उसकी बेगम से हाथ मिलाऊंगा लेकिन वो नहीं मिलाएगा, कभी डिमांड नहीं करेगा कि जी मुझे अल्कोहल चाहिए, कभी डिमांड नहीं करेगा जी मुझे पोर्क चाहिए, क्योंकि उसको पता मैं नहीं खाता। तो क्या हम ईद पे, क्रिसमस पे, हैप्पी न्यू ईयर पे, कैनेडा डे पे, क्या हम ये काम एटीट्यूड नहीं कर सकते? कनाडा डे पे कितने पाकिस्तानी आप देखती हैं, कितने मुसलमान देखती हैं आप कनाडा डे पे जो पार्टिसिपेट करती हैं, न्यू ईयर की फंक्शन होता है, कितने हमारी यंग जनरेशन जाती है, मज़ेदारी के मेरे बच्चे जाते हैं लेकिन मैं नहीं जाता। तो इंटीग्रेशन का तो इज़ यानी कि इंटीग्रेशन इज़ ए प्रॉब्लम। सोनिया आप इस पे क्या कहेंगी, जो खवातीन आपके पास आती हैं और जो बच्चे आते हैं जिनको आप देखते हैं कि वो फैशन डिजाइनिंग डिजाइनर, आप डिजाइनर हैं आपके पास वो आ रहे हैं जी, तो उनकी क्या मुश्किलात होती हैं, उनको इंटीग्रेशन की मुश्किलात होती हैं, उनको प्रॉब्लम होती है शादियों की प्रॉब्लम? शादियों की तो यहाँ पे बच्चों को वाकई मुश्किल होती है क्योंकि इतने ज़्यादा जगहों से लोग आए हुए हैं, इतने मुख्तलिफ फिरके और कास्ट हैं, मगर ये कि मैंने ये देखा है कि जो तो लिबरल फैमिलीज़ हैं जिनका ज़रा खुला जहन है, वो तो कहते हैं कि भाई बच्चे अब पसंद करें और मतलब एज लॉन्ग एज उनको रिलीजन सेम रिलीजन है या मतलब एक ही कम्युनिटी है या देयर बिलोंग टू पाकिस्तान और इंडिया और व्हाटएवर, सो दे आर ओके विद इट। लेकिन जो कुछ लोग जो हैं या बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, वहाँ पर फिर बच्चों को की शादियों की मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आप एक्सट्रीम किसी भी चीज़ में आप चले जाएं वो सही नहीं है, वो फिर यहाँ पे भी वही बच्चे फेस करते हैं। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं अपने क्लोथिंग के लिए वो जी, वो ज़्यादातर मैरिजेस जो मैंने किए हैं वो बच्चों ने बच्चे ही आपस में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जॉब में पसंद करते हैं और अपनी लाइकिंग से जो शादी लेके चल रहे हैं, और फिर वो बच्चे आते हैं अपनी पसंद से बताते हैं हमें ये चाहिए, ये हमारी थीम है, या हम ये वेस्टर्नाइज इस तरीके से करना चाहते हैं, या गाउन चाहिए, या समटाइम्स वाइट गाउन जो कनेडियंस लड़कियां पहनती हैं वो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे लाइक करते हैं पहनना, उसको उसी हिसाब से बनाना, कलर का फ्यूजन हम लोग काम करके उनको दे देते हैं। लेकिन अगर मैंने देखा है बहुत सारे माँ बाप परेशान होते हैं, वो मेरे पास आते हैं कि भाई हमारी बेटी के लिए आप देखें रिश्ते का, लेकिन मसाइल वही होते हैं कि अगर वो बच्ची हिजाब कर रही है या उसको बहुत सख्त मतलब एक्सट्रीम पे लेके रखा हुआ है और उसको आगे मिलने नहीं वो मिल नहीं पा रही है या देख नहीं पा रही है, पहले रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं और जब एज होने लगती है तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं कि अब इसका रिश्ता कहाँ से आएगा। तो मतलब ये है कि मॉडरेशन हर चीज़ में ये होनी बहुत ज़रूरी है, और जिस कंट्री में आप आए हैं वहाँ वहाँ के हिसाब से आप थोड़ा सा ब्रॉड आपको सोचना होगा अपने बच्चों के लिए। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करें, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोई मैसेज हमारे थ्रू हमारे नाज़रीन को देना चाहें, तो प्लीज़ सोनिया आप पहले कीजिए। मैं अपनी बच्चियों को और हमारी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे माइग्रेट करके इंडिया से, पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से, किसी भी कंट्री से आते हैं, उनको जो है वो एक खुले जहन से इस कंट्री की चीज़ों को भी थोड़ा बहुत एडॉप्ट करके लेके चलना पड़ेगा,
और आप अपने बच्चों की जहाँ जब तालीम और आगे बढ़ने के लिए जाते हैं तो वो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप माँ बाप सपोर्ट करेंगे, उनको इनक्रेज करेंगे। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आप मैंने बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे आके आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बिल्ड किया है, तो मैं यही मैसेज दूंगी कि आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो जिस काम में उनकी दिलचस्पी है उसमें उनको सपोर्ट करें, उनको इनक्रेज करें और उनको बहुत सारा प्यार दें ताकि वो उस चीज़ में माँ बाप की दुआओं से आगे बढ़ सकें। मलिक साहब, आपका मैसेज। सादिया जी, मैं ये कहूँगा कि फॉर गॉड सेक अपने माइंड सेट को चेंज करें, अपने जेन को चेंज करें। आप कैनेडियन हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, आपने की हैं, हम वी आर कैनेडियंस और हमें कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा की नॉर्म्स, कनाडा का चार्टर ऑफ राइट्स और कनाडा की जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें उसको हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना होगा। अगर हम उससे अलहदा होते जाएंगे और होते जा रहे हैं तो फिर आई एम सॉरी, फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इधर, ना कोई सोशल, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिकल। तो मैं ये कहूँगा कि खुदारा अपना माइंडसेट चेंज करें, औरतों को आगे आने का मौका दें, औरतों को आगे बढ़ने का मौका दें, अपनी ख्वातीन को इन्वॉल्व करें और अपने हमसायों से, को किसी भी नस्ल से, किसी भी मज़हब, किसी भी रंग से हैं, करें, एक दूसरे को काफर काफर कहना भी बंद करें। और ये जो एंटी पाकिस्तान और गद्दार का जो लकब है इसको छोड़ दें, ये बहुत पुराना हो गया है। आपकी मतलब है कि इसमें हमें वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट। आप दोनों का आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का बहुत मैं आपका और टैग टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। नाज़रीन, हमारी कम्यूनिटी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और उसके मसाइल, उस पर डिबेट और उसके हल और उसके साथ हमारी सक्सेसफुल शख्सियात, इन सब को लेके हम आते रहेंगे गाहे बगाहे आपके साथ। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए।